मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद कहा, कमलनाथ घटिया राजनीति कर रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता है तो आपको आनंद आता है, क्या ये विकृत मानसिकता नहीं है? कोरोना से हुई मौतों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कमलनाथ का बयान क्या राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं आता? घटिया राजनीति कर रहे हैं कमलनाथ। उन्होंने कहा, कमलनाथ आपदा में राजनीति का अवसर खोज रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता है तो आपको आनंद आता है, क्या ये विकृत मानसिकता नहीं है? क्या अकेले मध्य प्रदेश में ही मौत हुई है? क्या दूसरे प्रदेश या दूसरे देशों में मौतें नहीं हुई हैं? आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप केंद्र में मंत्री रहे हो, उसके बाद भी ये घटिया व्यवहार क्यों? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत कोविड, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इंडियन कोरोना वाला बयान देना, क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या कमलनाथ को शोभा देता है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको शोभा देता है? आश्चर्य होता है, जब जब इस देश पर संकट आया है, सारे राजनीतिक दलों ने एकजुट होके देश का साथ दिया है। एक नहीं अनेकों उदाहरण है, जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। महासंकट की इस घड़ी में कमलनाथ जी आप घटिया राजनीति कर रहे हो, अधमतम व्यवहार कर रहे हो। हमें सहयोग करना तो दूर, आपदा में जब लोग संकट में तो अवसर तलाश रहे हो। क्या आपके इस बयान से दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों का मनोबल कम नहीं होगा? क्या देश के सम्मान को चोट नहीं पहुंचेगी? क्या यह बयान राष्ट्रद्रोह जैसा नहीं है? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।